मंदिर में आ रहे हैं, पहले जाने से पहले क्या होता है मंदिर में, दोनों भी आए, कुछ चीज़ें आपके मन में चल रही थी, क्या चल रहा था, क्या करने वाले? अब जब मुझे क्लोजर मिल ही चुका है कि शौरवरी इस दुनिया में नहीं है, मैं ऐसे ही पीछा कर रहा था, उसकी परछाई का पीछा कर रहा था, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं टेनी को नैनीताल घुमाऊंगा। एंड रास्ते में हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, लकीली वहाँ पे एक मंदिर होता है जहाँ पे हम उसके मंदिर में आते हैं। एंड हाँ, मंदिर में आके एक शिवरात्रि की पूजा है, तो पूजा कर रहे थे उसमें, उसमें ही सब कुछ होता है। आई नो दिस इज़ अ वेरी फेमस मंदिर, मैं भी काफ़ी बार शूट कर चुका हूँ यहाँ पे। हिट एंड मिस ऑब्वियसली, यहाँ पे शौरवरी की एंट्री होती है, फिर से वहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड मिस होता है। एंड हाँ, अभी हिट एंड मिस कहाँ तक आगे तक जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, तो वहाँ शौरवरी यहाँ पे आएगी, तो देखो वही हिट एंड मिस हमारा चलेगा, अगर देखते हो मुझे मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं हमने देखा कि पार्थ के मन में टेनी को लेकर के प्यार उमड़ रहा था, वो क्या था? आपने आपने कहा कि आगे उन्हें सम्मान वही दिलाएंगे, वो क्या था? हाँ, टेनी ऑब्वियसली आए दिस डे बिफोर येस्टरडे, मतलब हमने जो उससे पहले जो सीन हुआ है उसमें टेनी को मैंने अपना प्यार इजहार किया है। एंड वी आर वेरी मच कम्फर्टेबल नाउ, क्योंकि मुझे पता लग गया कि शौरवरी अभी दुनिया में नहीं है, आई हैव टू गो विद टेनी नाउ। पहले कौन कौन मिला और बिछड़ा है? बहुत काफी टेलीविजन के सारे शोज के इतिहास है यहाँ, जैसे बताओ इतिहास में किन के किन के नाम लिखे हैं? बहुत सारे शक्ति है, नाम नहीं हो सकता, क्यों बोलो ना, मैनी सीरियल, शक्ति, अग्नि, फेरा, जी के, बहुत सारे। अच्छा सर, सुना हिस्ट्री है मंदिर की, मिलना भी चाहिए, हिट एंड मिस का पति पत्नी हिट एंड हिट होते हैं और हिट एंड मिस होते हैं। सर ये मंदिर में यही प्रॉब्लम है, तभी हमें सुबह से ये हो रहा है। अच्छा, ये हिस्टोरिकल मंदिर में हम लोग आए हैं और हिट एंड मिस होता है, और फाइनली पार्थ और शौरवरी मतलब मिलने वाले होते हैं, फिर रह जाते हैं, फिर ऐसा लगता है अब तो मिल ही जाएंगे, फिर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अरे यार अब क्या, तो फाइनली ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो हमारे डायरेक्टर ही बता सकते हैं, जो हर चीज ऑलमोस्ट प्री प्लान होती है, तो क्या आपकी तरफ से भी ये था कि या फिर कोइंसिडेंस ही कहेंगे इसे? ऑफ कोर्स कोइंसिडेंस है, नहीं पता होता तो शौरवरी डेफिनेटली नहीं जाती, क्योंकि वो अपनी नई जिंदगी बना चुके हैं और वो नई जिंदगी के साथ बहुत खुश है मेरे ख्याल से, वो भी चाहती है कि टेनी पार्थ और इप्सिता तीनों साथ में खुश रहें, और उसे ये लगता है कि उन्होंने वो मान लिया था कि शौरवरी मर चुकी है। जब यहाँ पहुँचती और सारे हालातों के साथ जब वो रूबरू होती है और पता चलता है कि पार्थ उसकी बेटी और उसकी पक्की सहेली भी यहाँ है, तो पता नहीं अब शौरवरी के लिए ये बहुत डरावना माहौल हो जाता है। बेचारी आती है किसी ख्वाहिश से, जान निकलते टाइम किसी और ही ख्वाहिश से निकलती है, तो बेचारे की लाइफ बहुत दुख भरी है, बता नहीं सकती मैं। लेकिन लास्ट ये पूछूंगा कि मंदिर में ही ये हिट एंड मिस हुआ है, तो भगवान भी कहीं ना कहीं कुछ चाहते हैं, इंडिकेशन भगवान की तरफ से है, कह सकते हैं? हाँ, वो बहुत कोशिश करती है छुपने छुपाने की, लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्मों में और जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा ही, तो पार्थ नसीब में लिखा है तो शौरवरी को ज़रूर मिलेगा, ऐसा उसे भी लगने लग गया है। मैं अपनी बात कर रही हूँ ना, तो वैसे अपनी ही बात करो। अच्छा, थैंक यू सो मच।